दोस्तों आपके मुंह में भी आ गया ना पानी इस थाली को देखकर। इसे हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में। ये है सावन स्पेशल रक्षाबंधन स्पेशल थाली, जो कि बनेगा एकदम बिना प्याज और लहसुन के। इस थाली को हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। खाने वाला भी खुश और बनाने वाला भी खुश। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी थाली, जो देखने में दिखता है बहुत ही सुंदर, लेकिन बनाने में है बहुत ही आसान। तो चलिए फिर इस थाली को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है अपने थाली में आज। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुस्मिता आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल में, जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरी वर्ल्ड। इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस थाली की शुरुआत हम मीठे से करते हैं। यहाँ पर एक खीर बनाएंगे, जिसके लिए ले लिया है आधा लीटर दूध। इसका हम छेना पायस तैयार करेंगे। यहाँ पर दूध को चढ़ा लिया है उबालने के लिए। अब इसमें उबाल आ जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें स्वाद अनुसार चीनी। यहाँ पर मैंने छेना पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं दूध में डालूंगी चीनी, जो कि यहाँ पर 4 बड़ा चम्मच है। आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको चीनी के साथ पका लेना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर। इसे अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, या तो आप स्किप भी कर सकते हैं। केसर को अच्छे से हमें दूध में मिला लेना है। अभी इसे थोड़ा उबालने देना है। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच, जो इंस्टेंटली हमारे मिल्क को एकदम गाढ़ा कर देगी, बहुत ही अच्छा स्वाद भी देगी। तो यहाँ पर इसको मिला लेंगे अच्छे से, दूध को अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर देखिए दूध उबलते हुए आधा तक पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे अपना छेना। इसे मैंने घर पर ही तैयार किया है। आप इसे नींबू के रस या विनेगर से फाड़ कर तैयार कर सकते हैं, या तो बाजार से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं छेना डाल रही हूँ, ऐसे ही आपको डाल लेना है छेना। अब छेना डालकर थोड़ी देर के लिए हम दूध को पकाएंगे। उसके साथ ही हम डालेंगे इलायची का पाउडर खुशबू के लिए। यहाँ पर मैं इलायची का पाउडर ले रही हूँ, इसको भी डाल देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए इस खीर को पका लेंगे, क्योंकि ये खीर अभी आपको पतला लग रहा होगा, क्योंकि इसे रख देंगे तो ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अपना खीर एकदम रेडी है। इसे अभी हम फ्रिज में रख देंगे, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। यहाँ पर देखिए मैंने चढ़ा लिया है प्रेशर कुकर। यहाँ पर हम बनाएंगे दाल। यहाँ पर मैं डाल दूंगी 2 चम्मच देसी घी। डायरेक्ट दाल इसी प्रेशर कुकर में ही पकेगा, इसमें हमें छोंक अलग से नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सरसों का दाना डाल दिया है। थोड़ा सा डालूंगी यहाँ पर कलौंजी, इससे बहुत ही फ्लेवर अच्छा आता है। यहाँ पर डाला सूखा हुआ लाल मिर्च। यहाँ पर एक चिल्ली डाल रही हूँ, ग्रीन चिल्ली। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। इसमें अभी ऐड कर लेंगे दाल, जिसे मैंने भिगो कर रख लिया था। यहाँ पर 1/2 कप अरहर दाल है। इसके साथ 1 चम्मच मैंने चना दाल दिया है, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे मैंने अच्छे से पानी से धोकर अच्छे वाले पानी में डाल कर रख दिया था। यहाँ पर देखिए दाल और पानी मैंने एक साथ डाल दिया है। दाल में से आप दाल में थोड़ा ज़्यादा ही पानी दीजिए, मैंने दाल से थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर हल्दी, नमक और थोड़ी सी चीनी मैंने ऐड कर ली है। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 छोटा चम्मच डाला है। इसे अभी ढक देंगे, 2 सीटी आने तक इसे हमें पका लेना है दाल को। यहाँ पर हमें 2 सीटी ही लगानी है दाल में, सिर्फ 2 ही सीटी लगाएंगे और दाल अपनी रेडी हो जाएगी। चलिए अभी नेक्स्ट रेसिपी बनाते हैं, तब तक अपनी दाल तैयार होती है। यहाँ पर कढ़ाई ले ली है। यहाँ पर डाल दिया है मैंने रिफाइंड ऑयल लगभग 2 चम्मच। यहाँ पर हम गोभी की सब्जी तैयार करेंगे। यहाँ पर तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे कलौंजी। इसमें जाएगा 1 सूखी हुई मिर्ची। इसके साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा मैं डालूंगी, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। यहाँ पर मैंने गोभी को, आलू को और काट कर साफ करके रख लिया है। यहाँ पर देखिए गोभी आलू मैंने ऐसे लंबा लंबा काट के रखा है। इसे अभी यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा तेल गर्म हो चुका है। अभी इसमें डाल देंगे, छोंक देंगे गोभी को। अब गोभी को हमें फ्राई करना है अच्छे से, लाल लाल करके, क्योंकि गोभी अगर अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसे अभी हम अच्छे से लाल लाल करके यहाँ पर फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर चलिए दाल को भी चेक कर लेते हैं कैसी बनी है। यहाँ पर इसे ढक देते हैं और इसको रख देते हैं अभी लो फ्लेम पर। यहाँ पर दाल अपनी रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। देखिए इतना अच्छा दाल बना है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में। इतना ही आपको रखना है। तो इसे अभी साइड में रखते हैं, अपना गोभी देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया, तो इसे अभी साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए गोभी हमारा फ्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पर देखिए गोभी और आलू थोड़ा थोड़ा लाल होना शुरू हो चुके हैं। इसे अभी थोड़ी देर और लगेगी, थोड़ा सा हम
इधर उधर करके उलट पुलट करके इसे पका लेंगे। तो इसमें अभी हल्दी, नमक और बाकी के मसाले हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी आधा छोटा चम्मच, नमक सेहत अनुसार यहाँ पर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे, उसके बाद हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इसे देखिए ऐसे ही आपको चला लेना है। यहाँ पर देखिए गोभी आलू एकदम परफेक्ट है। इसमें अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, जो कि स्वाद अनुसार होगा आपका। यहाँ पर डाल देंगे डेढ़ चम्मच करी पाउडर, जो कि बिना प्याज और लहसुन की है। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर ऐड कर लिया है, जो कि आधा चम्मच है। यहाँ पर डालूंगी थोड़ी सी चीनी, हल्की सी हमें चीनी डालनी है, क्योंकि ये बिना प्याज और लहसुन की है, तो थोड़ी सी चीनी डालेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर डाल दिया, इसे अभी अच्छे से मिलाकर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इतनी ही पानी में ये पूरा गोभी आलू हमारा पक जाएगा, क्योंकि हमें सूखी सब्जी ही बनानी है गोभी आलू की। ये सब्जी इतनी टेस्टी लगती है पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी। यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी भीगी हुई कसूरी मेथी, तो इसे अभी मिला लेंगे और इसे अभी ढककर पकाएंगे जब तक गोभी आलू हमारा पक ना जाए। चलिए अभी इसे रख देते हैं। यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, मैं इसे चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए कितना लटपटा और कितना लजीज सब्जी रेडी हो चुकी है। आलू भी पक चुका है, गोभी भी पक चुके हैं। गोभी थोड़ा खड़ा खड़ा रहे तभी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए परफेक्टली ये सब्ज़ी रेडी है। इसे अभी निकाल लेंगे, इसके ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करेंगे, उसे निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट सब्ज़ी अपना तैयार कर लेंगे। तो इसे चलिए अभी निकाल लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने छेना, जो कि फ्राइड पनीर है। इसे आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, आप घर पर भी तैयार करें। इसके लिए एक मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पर ले लिया भिगा हुआ चारमगज, इसमें दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग और काली मिर्ची और थोड़ा सा टमाटर और अदरक। इसे लेकर हम पेस्ट बना लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट। यहाँ पर देखिए ये पेस्ट एकदम रेडी है। चलिए अभी अपना सब्जी तैयार करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेना है, इसमें डालना है अभी रिफाइंड ऑयल, जो कि लगभग 1 छोटा चम्मच। यहाँ पर हमें ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। इसमें डाला है मैंने 1 तेज़पत्ता। इसके साथ अभी डालूंगी 1 पीस दालचीनी का, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। इसमें अभी ऐड कर लेंगे जो हमने बनाया था ना पेस्ट, उसे ही अभी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप नारियल भी इस पेस्ट में ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो। मेरे पास था नहीं तो मैंने ऐड नहीं किया। यहाँ पर हल्दी, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी मैं डालूंगी करी पाउडर, जो कि बिना प्याज और लहसुन की है। मैं पहले भूल गई थी बताना, यहाँ पर थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ। इस मसाले को अभी अच्छे से हमें भून लेना है, अच्छे से हमें भूनना है तब तक जब तक कि इसमें अच्छे से खुशबू ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है, लगभग भून चुका है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, वही कटोरी धोकर। इसे अभी अच्छे से हमें पका लेना है लो फ्लेम पर। इसे अभी थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे तक कि इसमें से अच्छे से तेल निकल आ जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, जो कि भीगी हुई है। आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर लीजिए, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो इसे अभी हमें मिला लेना है अच्छे से। अब इसे ढककर हम पका लेंगे जब तक कि तेल ऊपर से ना आ जाए। तो चलिए इसे अभी हम ढक लेते हैं। तो 2 से 2 मिनट लगेंगे यहाँ पर हम ढक लेंगे। तो चलिए ढक्कन यहाँ पर लगा लिया है। यहाँ पर देखिए हमारी मसाला एकदम रेडी हो चुका है। तो इसे अभी अच्छे से मिला लेंगे और इसमें अभी ऐड करेंगे पानी, जो ग्रेवी के लिए होगा। ये सब्जी थोड़ी सी ग्रेवी वाली होगी। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हम फ्राइड छेना ले रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ा पानी सोख करती है। इसीलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए, क्योंकि ये बाद में थोड़ी सी सूखी हो जाएगी। मैं जितना ज़रूरत है उतनी हिसाब से ही वो ग्रेवी अपनी आराम से बन जाएगी। यहाँ पर देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे अपना जो फ्राइड वाला पनीर है ना, उसको अभी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 2 मिनट के लिए हम ढक लेंगे लो फ्लेम करके, ताकि छेने में इस ग्रेवी का स्वाद आ जाए। इसे अभी ढक लिया है। यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए परफेक्टली हमारी सब्जी जो है रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हमने कितनी सारी चीज़ें बना ली। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे, इसको अभी निकाल लेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है एक कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे घी। यहाँ पर हम चावल की प्रिपरेशन करेंगे। तो घी में ऐड करेंगे थोड़े से ऐसे तेज़पत्ता, क्योंकि हम ये घी छोंक वाला चावल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची नहीं बड़ी इलायची और थोड़ी सी लौंग और काली मिर्ची, जिसको मैंने कूट के ले लिया है। थोड़ा सा डालेंगे जीरा, इसे थोड़ा हल्का फ्राई होने देंगे। इसमें अभी ऐड कर लेंगे थोड़े से काजू और थोड़ी सी किशमिश, जिससे बहुत ही अच्छी स्वाद आएगी अपने राइस में। तो इसमें अभी
दोनों चीज़ मैंने डाल दिया है। इसे अभी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से अच्छे से खुशबू आ जाए और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है बॉइल्ड राइस, जिसे मैंने पहले से ही बॉइल कर लिया था। आप यहाँ पे बासमती चावल भी ले सकते हैं या तो नॉर्मल वाइट चावल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाला ही लिया है, इससे भी बहुत ही अच्छी लगती है ये राइस। तो इसे अभी नमक डालेंगे इसमें और इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, हल्की सी ही चीनी डालने हैं, एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच ही डाल दीजिएगा। तो इसे अभी अच्छे से हमें मिला लेना है चावल को। तो अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक लेंगे ताकि चावल और सारी जो मसाले डाले हैं उसमें से स्वाद अच्छे से चावल में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से इसे मिला रही हूँ। इसे अभी मैं 2 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी लो फ्लेम पर ताकि इसमें से अच्छे से स्वाद आ जाए अपने सारे खड़े मसालों की। यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो गया है, यहाँ पर चावल अपनी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर परफेक्ट चावल, हमारे घी छोंक वाली चावल एकदम रेडी है। तो यहाँ पर सारे सामान हमारे तैयार हैं। चलिए अभी रायता बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है फिटा हुआ दही, इसमें अभी ऐड करेंगे नमक, थोड़ी सी डालेंगे पिसी हुई चीनी, इसे अभी मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी भुना जीरा पाउडर, इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची, अब इसको मिला लेंगे और इसमें ऐड करेंगे अपना बूंदी, बूंदी जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप चाहें तो घर पर भी बनाकर ले सकते हैं, मैंने मार्केट वाला यूज़ किया है। इसको अभी मिला लेंगे अच्छे से। अब इसका अभी छोंक रेडी करेंगे, ये रेडी हो गया, इसका अभी छोंक रेडी करेंगे। यहाँ पर चढ़ा लिया एक तड़का पैन, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, इसमें अभी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मस्टर्ड सीड ऐड कर ली है। इसमें अभी डालेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर रखा है हरी मिर्ची और थोड़ी सी कड़ी पत्ते, इसे अभी थोड़ा सा तड़कने देंगे। इसको अभी ऐड कर लेंगे अपने ये बूंदी वाले रायते में, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही टेस्टी लगती है ऐसे थाली में खाने में। यहाँ पर थोड़ी सी मैं सजावट के लिए लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर अपना रायता भी रेडी है, चलिए अभी थाली परोसते हैं। यहाँ पर थाली पे रखेंगे हमारा घी छोंक वाला चावल, उसके साथ मीठी मीठी गाढ़ी सी दाल, उसके साथ जाएगी गोभी की सूखी सब्जी, इसके साथ हम रखेंगे यहाँ पर छेने की सब्जी जो कि फ्राइड पनीर वाला सब्जी है, बहुत ही टेस्टी। यहाँ पर रखेंगे बूंदी की रायता और इसके साथ रख लेंगे अपना जो छेने के पायस। और यहाँ पर मैं दे रही हूँ थोड़ी सी पूड़ी और उसके साथ पापड़। ये हो गई मेरी पूरी थाली रेडी। इस थाली को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा मुझे कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आप भी अपने रक्षाबंधन और सावन के महीने को स्पेशल बनाइए और इस थाली को ज़रूर से ट्राई कीजिए। बन जाता है 30 मिनट में और बनता है बहुत ही टेस्टी। तो चलिए दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को आगे ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए।